हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज़त में बताने जा रहे हैं फिश करी, ठीक है, लेकिन मेरी तरीके से। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज मिलते रहेंगी। मैंने शुरू में मच्छी ली हूँ, बोन के साथ ली हूँ, बोनलेस नहीं ली हूँ, और मैंने ऐसे पीसेस काट ली हूँ, ठीक है। मेरी कम से कम 1.5 किलो मच्छी है। 800 ग्राम मैंने टमाटो ली हूँ, उसको मैंने 1 के 2 कर ली हूँ धोकर। 2 टेबलस्पून मुझे चॉप्ड गार्लिक चाहिए, 2 नींबू का रस चाहिए, 1 टेबलस्पून मुझे चॉप्ड जिंजर चाहिए, और ये जो स्लाइसेस मुझे चाहिए जिंजर की वो 20 से 25 स्लाइसेस चाहिए, 10 से 15 मैंने कड़ी पत्ता चॉप कर ली हूँ, हसब ज़रूरत नमक ली हूँ, हल्दी 1/2 टीस्पून ली हूँ, चिल्ली फ्लेक्स 1 टीस्पून ली हूँ, रेड चिल्ली पाउडर 3 टीस्पून ली हूँ, ज़ीरा 2 टीस्पून ली हूँ, ब्लैक पेपर को मैंने कूट ली हूँ फ्रेश 1 टीस्पून, और आमचूर पाउडर मैंने 1 टीस्पून ली हूँ। अभी मैं यहाँ पर तेल मैंने बहुत कम डाली हूँ और थोड़ा बाद में डालूँगी। सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, और कड़ी पत्ते के अंदर हम टमाटो का जो छोड़ देंगे। पहले हम यहाँ टमाटो छोड़ देंगे और फ्लेम को लो करके कवर करके इसको रख देंगे। हमने सारे टमाटोस औंधे करके रख दिए, और जो चॉप गार्लिक था वो हम बीच में डाल देंगे, ठीक है, और चॉप जिंजर भी डाल देंगे हम इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एकदम लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए रख देंगे कवर करके। 10 मिनट्स हो चुके, अभी हम देखते हैं। अभी तक ये टमाटोस की स्किन सॉफ्ट नहीं हुई है, ठीक है, और 10 मिनट्स लगेंगे हमको, और 10 मिनट हो चुके, टोटल 20 मिनट हो चुके हैं, देख रहे हैं। थोड़ा ठंडा होने देंगे हम, और सारी स्किन ऐसी निकाल देंगे। ये देखो सारे छिलके हमने निकाल दिए, ठीक है, और हम इसको भी फेंक देंगे, और थोड़े और टमाटोज गलने देंगे। ये देखो अच्छे से हमारे टमाटोज पक चुके हैं, ये देखो उसका अच्छे से एक मसाला बन चुका है, और अभी इसके अंदर हम डाल देंगे सारे ड्राई मसाले, चिल्ली पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी हल्दी, एक पिंच हल्दी डाल दी हमने खाली, ज़्यादा नहीं। इसको 2 मिनट हम भूनेंगे। अभी हम देखते हैं स्लो गैस पर, देखो तरी आ चुकी है ना। अब इसके अंदर हम सारे मच्छी डाल देंगे। हम सारी मच्छी ऐसी डालकर इसको फिर से 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। एकदम हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो फिश के पीसेस है वो टूटे नहीं। सारा हम इसे स्लोली हम हिला देंगे, और क्या करेंगे इसके अंदर थोड़ा हम नमक डाल देंगे। अब इसको फिलहाल कवर करके रख देते हैं लो फ्लेम पे थोड़ी देर, 5 मिनट या 7 मिनट, ताकि मच्छी अपना खुद का पानी छोड़ दे, फिर हम फ्लेम को हाई कर देंगे। देखो देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब इसमें हम जो नींबू का रस रखे थे वो अब डाल देंगे। फ्लेम को हाई कर दिया हमने, और इसको 2 से 3 मिनट हम इसको पकने देंगे, क्योंकि अभी ये अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन और ज़्यादा गाढ़ी चाहिए कढ़ाई है, तो ये थोड़ी और ठीक होनी चाहिए, तो हम इसको फुल फ्लेम पे अभी पकाएंगे। हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है, और अभी आपको सर्व करके बता दें। देखो सर्व करने के टाइम पे हम थोड़े अदरक के जो स्लाइस करे थे वो हम डाल देंगे, और थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, और ऐसा हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ, आपकी मर्ज़ी, आपको किस चीज़ के साथ खाना है, ठीक है, आप लोग भी ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना।